मुझे बहुत बार याद है, आज मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था कि राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर ये साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आदमी आदमी को जोड़ने का काम करता है। और ये बिल मैंने पास किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करता था। इन्वेस्टर समिट में पीएम से लेकर गृह मंत्री का आना यूपी में लगा हुआ है। तमाम नेता यूपी की राजनीति में ऐसे ऐसे किस्से सुना रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी चौंक सकते हैं। शनिवार को जब सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लखनऊ के इन्वेस्टर समिट में बोल रहे थे तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लेकर ऐसी बात कही कि सभी ताली बजाने लगे। नितिन गडकरी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव बताते थे कि राम मनोहर लोहिया हाथ से रिक्शा खींचने वालों की गाड़ी में बैठने से बचते थे क्योंकि वे इसे सही नहीं मानते थे, क्योंकि वे कहते थे ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि आदमी आदमी को बैठा कर खींच रहा है। मुझे बहुत बार याद है, आज मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था कि राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर ये साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आदमी आदमी को ढोने का काम करता है। और ये बिल मैंने पास किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करता था और ये ई रिक्शा आया। 1 करोड़ लोगों में से लगभग 90% लोग अब ई रिक्शा चला रहे और कम से कम रोज के 1000 रुपए कमा रहे। और मुझे खुशी है कि इस देश की ये अमानवीय प्रथा बंद हुई, अब ई कार्ड आया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब्जी के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, सबके लिए जितना ट्रांसपोर्ट होता है, अब ये ई रिक्शा भी मेरे यहाँ सब्जी होती है। मैंने अभी एक 600 किलो की रिक्शा ली, मेरी पत्नी यहाँ खेत से भी देखती है। रोज मेरे घर से वो ऑर्गेनिक सब्जी नागपुर में आती है, वो ई रिक्शा में आती है, ई कार्ड में। उसका खर्चा नहीं के बराबर है। इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका खर्चा नहीं के बराबर है। पेट्रोल की तुलना में 10% उसका खर्चा है। और रात को घर में लगा दो, सुबह चार्ज हो जाएगा। तो आप ये भी पॉलिसी बनाइए जिसके कारण बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण होगा। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने अपने भाषण में एक बात और कही कि आप नेत्रदान तो कर सकते हैं लेकिन विजन यानी कि दूरदर्शिता दान नहीं कर सकते हैं। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर जीवन में विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती। And lack of vision is a big problem.